अपने तो सुख के आगे दुख नहीं बोझे, अपने तो सुख के आगे दुख नहीं बोझे, अपने तो सुख के आगे दुख नहीं बोझे। पुरंदर जी महाराज लिखे हैं, यदि गुरु वही होना चाहिए कि शिष्य के दुख को यदि सुन गया तो उसको बतावे ना, लेकिन उसका संकट टालने के लिए एकदम जी जान से लग जाए, वही गुरु है। यदि ऐसा नहीं करता है तो क्या करे? अरे ऐसा गुरु के दौरा के मारे भंडा भंडा अब पाखंडा ना चली, पकड़ गया निशान के भंडा अब पाखंडा ना बात होते क्योंकि सुखवा है, डर लग रहा है। मोरी पूजे मसान पूजवा, मोरी पूजे मसान पूजवा, मोरी पूजे मसान पूजवा, सुहावा बकरा के भोग लगवा, भी आएगा। लेकिन गुरु को कैसा होना चाहिए? गुरु को घमंड यदि गुरु स्वयं करेगा तो घमंडी गुरु नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एकाध गुरु होते हैं कि जिसके पास पैसा अधिक होता है प्रणाम करता है तो खुश होकर के दोनों हाथ हंसते हैं, पैर नहीं छूना है, पैर नहीं छूना है, पैर नहीं छूना है, पैर नहीं छूना, क्या बोले गए थे, पैर नहीं छूना है, कोई नहीं पैर छूएगा, कोई नहीं पैर छूएगा। एक सबसे चरणक लड़का था, सबसे पीछे नहीं था, बाद में पीछे हो गया, दिखाया है बाबा, समझ गए, कई बार गए ऐसे कितना था, एक दो तीन चार पांच, मैंने गोड़ धरे देवत दे दे सोच लो बाबा, 10,000 बार 10,000, फिर एक फिर दो फिर तीन फिर चार फिर पांच, है बाबा है तना है तना, गुड़वा धर दे बाबा, ठीक है बाबा जी, बोले हटो हटो हटो, उसको बुलाओ उसको बुलाओ उसको बुलाओ उसको बुलाओ, वो मेरा परम भक्त है उसको बुलाओ उसको बुलाओ, हटो 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 हटो, हट गए कोई दाए कोई बाए, सिक्योरिटी गई लाई ला ला ला, आ क्या किया, मोड़ा हुआ 2,000 की 5 नोट महाराज जी के जब पैर पर रखा तो महाराज जी दोनों हाथ रखे उसके सर पर, जा बाबू द्वारिका दे दे, द्वारिका दे बिष्णु धाम, मने बिष्णु धाम शंकर धाम ब्रह्म लोक इंद्र लोक विष्णु लोक तीनों लोक देते। लड़कियों का रस्त हरे पापे का कहा दे दिया, अब हम जात आज जब जैसे पीछे हुआ तो बाबा सोची बड़ी बड़ी अच्छी नोट है हम अपने पास रखे, जब पास रखे तो देख रहे चूरन वाली नोट, जब चूरन वाली नोट तो बाबा जी बोले धर धर जल्दी पकड़, धर देख कहां भागा हमको भी ठग दिया, सारा दुनिया हम ठगो हमको ठग दिया, पकड़ पकड़ पकड़। ऐसे बाबाओं की ऐसी हंसी होती है दिव्यात्माएं, हरई धाम पर शोकन हरई, गोस्वामी जी महाराज के हैं कि हरई धाम पर शोकन हरई ते गुरु घोर नरक में परे, वह गुरु अपने लिए स्वयं नरक की योजना बनाता है जो केवल धन को हरण करने के लिए सोचता है। हम तो चैलेंज देकर बोलते हैं, आज भी बोल रहे हैं, जिनके दिमाग में अश्वमेध यज्ञ करने से बहुत ज्यादा पैसा आता है तो आइए आप